Hello dear students welcome back to your msc virtual class this is your lesson 6 value jealousy and the story is jealous devdatta dear students uh, in this video i'll explain you this story which is related to the value of jealousy so let's start jealous devdatta

वो उनसे हमेशा ईर्ष्या करते थे बुद्ध जब युवा राजकुमार हुए तो उन्होंने अपना घर कपिलवस्तु छोड़ दिया था जब वह प्रबुद्ध हो गए थे उन्होंने दूर दूर तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया When enlightened Buddha visited his home at Kapilavastu, people of his kingdom joined him बिकॉज दे लाइक liked what ही taught. जब प्रबुद्ध बुद्ध ने कपिल वस्तु में अपने घर का दौरा किया तो उनके राज्य के लोग उनके साथ जुड़ गए क्योंकि उन्हें वही पसंद था जो बुद्ध ने उन्हें सिखाया था वो उनसे जो भी कहते थे उन्हें वो अच्छा लगता था इसलिए उन्होंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया out of curiosity his jealous cousin devdatta also joined buddha he learned many things from buddha and got some magical powers too but he always envied buddha and his popularity among the people अब जिज्ञासा के कारण उनके जो चचेरे भाई Devdatta थे वो भी उनसे जुड़ गए उन्होंने बुद्ध से कई चीजें सीखी जैसे जादुई शक्तियां जादुई शक्तियां भी उन्होंने उनसे उन्हों हासिल की लेकिन उन्होंने हमेशा बुद्ध और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता से हमेशा ईर्ष्या की वो हमेशा से उनसे जलते थे ईर्ष्या करते थे और उन्हें ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं देवदत्ता वॉज कनिंग जिटेड अजात शत्रु द क्राउन प्रिंस ऑफ मगध किंगडम अजात शत्रु वॉज जलसारा देवदत्ता शोड ही पावर्स टू अजात शत्रु हु जो देवदत्त था वो बहुत चालाक था एक बार वो अजात शत्रु से मिलने गए जो मगध राज्य में रहते थे वहां के जो मगध के प्रिंस थे क्राउन प्रिंस थे उनसे मिलने गए जिनका नाम आजाद शत्रु था जो आजाद शत्रु थे वो अपने जो उनके पिता थे उनसे ईर्ष्या करते थे वो उनसे जलते थे देवदत्त ने क्या किया देवदत्त ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाकर आजाद शत्रु को अपनी जादुई शक्ति दिखाकर उनको प्रभावित किया उनको इम्प्रेस्ड किया अजात शत्रु प्रॉमिज टू हेल्प देवदत्ता केम बैक टू कपिलेड द वर्ल्ड अराउंड बट पीपल लव बुद्धा सो दे रिफ्यूज टू फॉलो हिम देवदत्ता गॉट मैट एट द पीपल बीकज दे डिड नॉट सपोर्ट हिम अब देखो जो देवदत्ता देवदत्त ने आजाद शत्रु को अपनी जादुई शक्तियां दिखाकर इम्प्रेस कर दिया था तो आजाद शत्रु ने भी उससे वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे अब जब देवदत्त वापस कपिला वस्तु आया तो उसने क्या किया उन्होंने इस शब्द को चारों ओर फैला दिया कि वो बुद्ध से बेहतर हैं। बट पीपल लेकिन जो लोग थे वो सिर्फ बुद्ध को ही प्यार करते थे और उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पे वो चलना चाहते थे और चल भी रहे थे लेकिन उन्होंने देवदत्त को मना कर दिया उनको फॉलो करने से मना कर दिया जिसके कारण देवदत्त को बहुत गुस्सा आया वो उन लोगों पर गुस्सा होने लगा जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे आफ्टर टाइम देवदत्ता वेंट बैक टू मगदा ही एडवाइज अजात शत्रु टू किल ही टाइम बाद देवदत्त फिर वापस मगध गए और उन्होंने आजाद शत्रु को क्या एडवाइज किया उनसे कहा कि तुम अपने फादर को मार दो और उनके सिंहासन पर उनके सिंहासन को तुम हासिल कर दोगे जब उन्हें मार दोगे तो उसने उनको सजेस्ट किया कि तुम अपने फादर को मार दो देवदत्ता वांटेड बिम्बी टू बी किल्ड बिकॉज ही सपोर्टेड बुद्धा अब देवदत्त जो थे वो ऐसा चाहते थे कि बिंबिसारा मर जाए क्योंकि वो बुद्धा को सपोर्ट करता था जो बिंबिसार थे वो बुद्धा को सपोर्ट करते थे और वो उनके फॉलोवर भी थे इसलिए ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी देवदत्त को इसलिए उसने आजाद शत्रु से कहा कि तुम अपने फादर को मार दो दे आल्सो ऑल्सो हायर सिक्सटीन आर्चर्स टू किल बुद्धा अब उसने खुद भी सिक्सटीन आर्चर्स uh, को हायर किया था बुद्ध को मारने के लिए। टू बिकेम बुद्धा फॉलोअर वेन दे हर्ड हीम स्पीक बिकॉज ही वॉज सो नाइस एंड प्योर अब देखो जब वो आर्चर्स uh, उसे मारने गए बुद्धा को तो वो भी उनके फॉलोअर हो गए जब उन्होंने उनको बोलते हुए सुना तो उन्हें अच्छा लगा उन्हें लगा वो उन्हें वो बहुत अच्छे लगे और बिल्कुल बहुत शुद्ध लगे और वो भी उनके फॉलोवर बन गए उन्होंने उन्हें नहीं मारा और वो उनके फॉलोवर बन गए द जलस देव दत्ता डिसाइडेड टू एक्ट ऑन हिज ओन ही हर्ड अ ह्यूज रॉक फ्रॉम अ माउंटेन वेन बुद्धा वॉज वॉकिंग डाउन द स्लोक बट मैजिकली टू यूज रॉक्स केम इन द वे एंड स्टॉप द दर्ल्ट रॉक अब देखो जो ईर्षा से भरा देवदत्त था उसने डिसाइड किया कि वो बुद्ध को मारने का काम खुद ही करेगा उसने क्या किया उसने बुद्ध को नीचे की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पीछे उनके पीछे से एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया लेकिन चमत्कार क्या हुआ अपने आप ही दो बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आ गए और जो उसने फेंका था जो पत्थर उसको रोक दिया उस, आ, उन दो पत्थरों ने देवदत्त लेकिन ये सब देखकर देवदत्त को फिर भी विश्वास नहीं हुआ देवदत्ता then got a रोग एलिफेंट एंड सेट इट अमंग द पीपल as दे वर लिस्निंग टू बुद्ध सरमन एवरीबडी screamed एंड ran अवे अब जो देवदत्त था वो एक दुष्ट हाथी को लेकर आया और उसने उन लोगों के बीच उसे छोड़ दिया जो बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे अब उसे देखकर हाथी को देखकर सब इधर उधर भागने लगे बुद्धा कामली वॉक टुवर्ड्स तो 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 द एलिफेंट वेन द एलिफेंट वॉज अबाउट टू ट्रेम्पल अ लिटिल बेबी ऑन द स्ट्रीट बुद्धा टच द एलिफेंट ऑन इट्स फोर हेड विच एट वर्न स्कूल डाउन द एलिफेंट अब देखो जैसे ही हाथी को देखा लोगों ने हाथी को देखा वो सब इधर उधर भागने लगे लेकिन जो बुद्ध थे वो बिल्कुल शांति से उसकी तरफ जा रहे थे और जैसे ही एलिफेंट एक छोटे बच्चे को आ, कुचलने वाला था रास्ते में तब तक बुद्धा ने उसके माथे आ, माथे पर या उसके सर पर हाथ रखा और वो शांत हो गया द वाइल्ड एनिमल बोर्ड बिफोर बुद्धा इन रिस्पेक्ट जो जंगली जानवर जानवर हैं वो भी उनकी uh, रिस्पेक्ट में झुक गया इट मीन्स uh, बुद्ध को देखकर जो जंगली जानवर है वो भी उनके सम्मान में झुक गया एवरी वन वॉज सेव्ड पीपल केम टू नो हाउ कनिंग एंड मीन देवदत्ता हैफ्टर हिम एंड थ्रू हीम आउट ऑफ द टाउन जेलिस पीपल ब्लाइंड दे हैव टू पे द प्राइज एज देव डिट इन दब देखो सारे के सारे उस हाथी से सेफ थे सारे लोग बच गए थे और जैसे ही उन्हें पता चला ये सब उस चालाक देव दत्त ने किया तो वो उसके पीछे भागे और उसको राज्य से उन्होंने बाहर निकाल दिया था इसलिए जेलसी मेक्स पीपल ब्लाइंड मीन्स जो ईर्ष्या होती है वो इंसान को अंधा बना देती है और उसके साथ वो ही होता है जो एंड में देवदत्त के साथ हुआ डियर स्टूडेंट होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे